इस बार इंडोनेशिया का एक शिव मंदिर का स्वरूप दिया गया है पंडाल को। किसा तो बहिना के चढ़ाई चुनरी लाल, सेवा करब जमा के नू हो। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज हम जिस पंडाल के नीचे खड़े हैं वो कोई आम पंडाल नहीं बल्कि डाक बंगला चौराहे का पंडाल है, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में बच्चे बूढ़े हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। साथ में कहा ऐसा जाता है कि अगर आपने कहीं घूमा या ना घूमा, लेकिन अगर आप डाक बंगला चौराहे पर अगर आप आकर घूम लेते हैं तो आपका नवरात्रि और आपका ये दुर्गा पूजा बिल्कुल सफल हो जाएगा। आइए देखते हैं अंदर का क्या माहौल है और कितना खूबसूरत है इस बार का डाक बंगला चौराहे का ये पंडाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डाक बंगला के इस बृहद मतलब पंडाल में, जहाँ पर मेरे लिए तो शब्द कम पड़ रहे हैं। जितनी खूबसूरत इसकी संरचना की गई है वो शायद शब्दों में ना बयान किया जाए। आप देख सकते हैं कितना कारीगरी, कितना महीन कारीगरी से इसको सजाया गया है। बात करें तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई महाराजा का पैलेस हो, उस तरीके से माँ के इस दरबार को इतना खूबसूरती से सजाया गया है, जो कि अपने आप में एक रॉयल फीलिंग दे रही है। और यहाँ के लोग काफ़ी खुश होने वाले हैं इसके डेकोरेशन को देख के। आज शाम से आपसे मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप इस पंडाल में आइए, देखिए यहाँ का डेकोरेशन और हमें बताइए कि ये कैसा लगा आपको, क्योंकि शायद ये पहली बार इतनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है किसी पंडाल की, और जिसकी ऊंचाई है लगभग 19 फीट और चौड़ाई है लगभग 50 फीट। हर तरीके से काफ़ी कोशिश की गई है कि इस पंडाल को काफ़ी एक नया स्वरूप दिया जाए, एक रूप दिया जाए, और शायद कहीं ना कहीं डाक बंगला चौराहे के इस पंडाल के लोग मुरीद होने वाले हैं हर तरीके से। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस खूबसूरत पंडाल को तो हमने देख ही लिया, साथ में जब ये पंडाल इतना खूबसूरत है तो इसकी भव्यता आप समझ सकते हैं। इसकी पूजा की जो विधि है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सिस्टमैटिकली यहाँ पर रखा गया है सब कुछ। घड़ा कलश, कितना कलश रखा हुआ है? कलश तो 14 वो है सर। डाक बंगला सर नामी है बाबा यहाँ पर, कि पूरे पटना में नाम लिया जाता है कि डाक बंगला जाना है देखने के लिए। तो पूजा पाठ कब से शुरू हो गया यहाँ पर? यहाँ पे पहली से हुआ है। एकम से हुआ है। भीड़ भाड़ जब होगा तो कैसे मतलब आप लोग संभालिएगा भीड़ को अंदर, क्योंकि आप लोग ही रहेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि जो मुख्य पुजारी हैं आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ ही समझ लीजिए कि हैं ये, तो जब भीड़ भाड़ उबड़ेगी तो कैसे संभाला जाएगा? संभालते हैं, चार आदमी हम लोग रहते हैं, एक आदमी से संभलेगा, चार आदमी रहते हैं। लोग कहते हैं सर कि अगर पटना में कहीं दुर्गा पूजा नहीं घूमे तो अगर डाक बंगला घूम लिए तो उनका दुर्गा पूजा सफल हो गया। इस बार क्या थीम पे बन रहा है? इस बार इंडोनेशिया का एक शिव मंदिर का स्वरूप दिया गया है पंडाल को, और ये हर बड़ी हर्षोल्लास के साथ इसका आयोजन किया गया है, और पूरा पटनावासी खुश है। और इस बार मूर्ति हुआ और लाखों और श्रद्धालु आएंगे इस बार, तो भीड़ के लिए सुरक्षा का बहुत उचित व्यवस्था है। जिला प्रशासन के लोग जो है और हमारे नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा के वॉलेंटियर और भी बहुत सारे लोग का, हम लोग का एनसीसी कैडर इत्यादि लोगों का सुरक्षा का व्यवस्था है। एक चीज़ बताइए सर कि इतने सालों से मतलब एक अपना पोजीशन बनाए रखा है डाक बंगला चौराहा, कि मतलब पटना छोड़िए पटना के बाहर के भी लोग आते हैं तो एक ही नाम रहता है कि डाक बंगला का देख के ही जाना है, चाहे अच्छा बने जैसा बने। मूर्ति नहीं लगी थी फिर भी पिछली बार लाखों लोग आके देख के गए थे, इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, ये पूजा जो पंडाल है ये सिर्फ पूजा ही नहीं हो रहा है, यहाँ एक व्यवस्थित यहाँ पे कमेटी के सदस्य हैं जो बहुत साल भर काम करते हैं। इस बार जो बनाने आए हैं वो लोग कहाँ से आए हैं बनाने, क्योंकि बहुत जगह हम लोग सुन रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से बुलाया गया है लोगों को, गुजरात से बुलाया गया है, यहाँ पर डाक बंगला के इस पंडाल को बनाने में कौन लगे हुए हैं? डाक बंगला पंडाल को बनाने के लिए भी पश्चिम बंगाल से ही कारीगर आए हैं, और वहीं असेंबल यहाँ करते हैं, और
छः सात महीना से वो लोग बनाते रहते हैं। डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बहुत बारीक बारीक, मतलब अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो बड़ी बारीक तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। उस डिज़ाइनिंग को कुछ कहते हैं या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है उसमें? देखिए ये लाइटिंग LED टाइप का है और इसमें जो है ना जितना खिलौना इस टाइप से स्वरूप दिया गया है, जैसे भूज खलीफा इस तरह से दिखाया गया ताकि बच्चा लोग आकर्षित हो। और बच्चा, पटना का बच्चा लोग बोलता है कि मम्मी कहीं मत ले जाओ, लेकिन डाक बंगला चौराहा लाइट देखने के भी उसे आते हैं लोग। तो ये था पूरा विवरण कि कैसे यहाँ पर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही मैनेजमेंट के साथ डाक बंगला चौराहे के इस बार की दुर्गा पूजा को सफल बनाने में यहाँ के सारे कमेटी के लोग लगे हुए हैं। पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कम संसाधनों के साथ पूजा की गई थी, लेकिन इस बार दोगुनी गति से इस पूजा का समापन किया जाएगा। इसमें लगता है ऐसा कि न्यूटन का तीसरा लॉ लगाया जा रहा है वैसे, कि पिछले बार का सारा बदला इस बार निकाला जाएगा। और डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। डाक बंगला के इस आपको पंडाल में हमें मिल गए एक भोजपुरी गायक, जो कि कुछ शब्द सुनाएंगे, कुछ पंक्तियाँ सुनाएंगे हमें, जो इनका खुद का रचना है, आपकी खुद की रचना है ना ये सर? हाँ, ये सबसे पहले तो पूरे भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और माता आप सभी को बहुत 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 खुश रखे, और जो भी आपकी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, माता रानी से प्रार्थना है। और मैं राहुल कुमार आप सभी के बीच यहाँ डाक बंगला पंडाल पे उपस्थित हूँ, और माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि माता ने मुझे मौका दिया। मेरा एक गाना है मैया जी के रूपवा कमाल, ये प्यारा सा गीत है माता जी के ऊपर में, और माता जी के भीतर में तो आप सभी जानते हैं कि लाखों सूर्य और लाखों चंद्रमा समाते हैं। तो प्यारा सा बोल है, आप सभी से निवेदन यही है क्या कि इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो दो लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा। चमके नु होए धानी चमके नु हो, चमके नु होए धानी चमके नु हो, कि हमरा मैया जी के रूपवा कमाल, चांद जैसन चमके नु हो, कि हमरा मैया जी के रूपवा कमाल, चांद जैसन चमके नु हो। हाली हाली ए धनिया आसन बिछै तू, भोगवा लगै तू फलहार, कजरा लगा के धानी डैनी के भगै तू, नाजुक बाड़ी मैया जी हमार। और ये उनके लिए है जो लोग भक्तिमय होए हुए हैं और माता के समक्ष बैठे हुए हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, फलहार पे हैं, ये उनके लिए है। जम के नु हो ए धानी जम के नु हो, जम के नु हो ए धानी जम के नु हो, कि सातो बहिना के चढ़ाइब चुनरी लाल, सेवा करब जम के नु हो। सभी पटना वासियों से, भारत वासियों से और बिहार के सभी जिलों के सभी लोगों से नम्र निवेदन है, सभी से नम्र निवेदन है, कृपया आप अपने इस पुत्र को अपना असीम आशीर्वाद दें, माता आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, माता आप सभी के साथ रहे, सभी की शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बेहद खूबसूरत रचना है आपकी, मतलब हम लोग भोजपुरी को बहुत गलत सेंस में लेते हैं कि उसकी गाने में अश्लीलता बहुत ज़्यादा होती है, और शायद कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, लेकिन माता के गाने को इतना खूबसूरत रूप देकर, माँ को चांद से कंपेयर किया आपने, और किन किन चीज़ों से किया आपने? माता का एक्चुअली बोला जाए तो क्या, माता का रूप का जितना भी बखान आप करेंगे वो कम है, इसलिए क्योंकि माँ है, जगत जननी है, और माता के मतलब बोला जाए जितना भी बखान किया जाए इसका वो कम है, क्योंकि माता चाहे तो विश्व का निर्माण कर सकती है, जो ये विश्व जिसमें हम लोग जी रहे हैं, ऐसे ऐसे कई सारे विश्व का निर्माण कर सकती है। आपके आपके इस गीत की जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है? हमरा मैया जी के रूपवा कमाल। हमार मैया जी के रूपवा हमरा मैया जी के रूपवा कमाल, ये इनकी रचना है और काफ़ी बेहद खूबसूरत है, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब सौभाग्य देखिए हमारा कि हम डाक बंगला चौराहे के पंडाल में आकर शूटिंग कर रहे थे, और यहाँ पर हमें काफ़ी खूबसूरत और
बेहद सुरीले एक इंसान मिले जो कि जिनकी रचना आपने सुना अभी, और आप इनको भी प्यार दीजिए और बताइए आपको कैसा लगा इनका गाना और कितने खुश हैं आप इस गाने को सुन के। आपको शायद अपनी आँखों पर यकीन ना हो जितना खूबसूरत ये सामने से दिख रहा है। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए अगर आप पटना से हैं, पटना के बाहर से हैं। अगर आप पटना नहीं आए, डाक बंगला नहीं आए और इस पंडाल को ना देखें तो शायद आपका दुर्गा पूजा मिस होने वाला है, शायद ये कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ज़रूर आइए, एक बार देखिए कि कितनी मेहनत से पश्चिम बंगाल से आए सारे कारीगर ने इसको कितने महीन कारीगरी से इस पूरे पंडाल को बनाया है, जो कि अपने आप में काफ़ी एक खूबसूरत एहसास देंगे आपको और आपको लगेगा कि आप किसी महाराजा पैलेस में आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।